तो भाई आज एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर तीन कंटेंट आते हैं, तीन सोल्ट आते हैं, नेडिफ्लोक्सासिन, मोमेटासोन और मिकोनाजोल। अब ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं, साथ में तीनों क्यों दिए गए हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, एक ब्रांड आता है नेडीबैक्ट, नेडीबैक्ट प्लेन आता है, नेडीबैक्ट प्लस आता है। नेडीबैक्ट जो प्लेन आती है उसके अंदर नेडिफ्लोक्सासिन आता है, और नेडीबैक्ट प्लस आती है उसके अंदर नेडिफ्लोक्सासिन के साथ साथ मिकोनाजोल और मोमेटासोन भी आता है। 10 ग्राम के करीब करीब 130 रुपए के आसपास मिल जाएगी। ये दोस्तों स्किन डिजीज में चलती है, स्किन के ऊपर लगाने की आती है, और साथ में फेशियल प्रॉब्लम में भी चलती है, जो कि बारे में जानेंगे, आगे जानेंगे। तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना, समझते हैं इसके बारे में। तो भैया ये क्रीम फोम है, टॉपिकली लगाया जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं भाई नेडिफ्लोक्सासिन जो इसके अंदर है। तो दोस्तों नेडिफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ये वहाँ काम करेगा जहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उन बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है। जैसे कि दोस्तों इम्पिटिगो होना, चेहरे पर ऊंट सी हो जाती है ना, इम्पिटिगो कहते हैं किसी का जूठा खाने से होती है, तो ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो उन बैक्टीरिया के कारण ना यहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, लालिमा रहती है, सूजन रहता है, तो वहाँ पर उन बैक्टीरिया को मार कर ये काम करता है। या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया हो जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हो, फोड़ा फुंसी होना, स्किन लाल होना, खुजली चलना, तो वहाँ पर भी काम करती है। दोस्तों चेहरे के ऊपर ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कील मुहावसे भी आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर पस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं, दर्द होते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर एक नहीं है चेहरे पर, तो वहाँ पर भी नेडिफ्लोक्सासिन बहुत बढ़िया काम करता है। अब दूसरा है मोमेटासोन, अब दूसरा है मिकोनाजोल। तो भाई मिकोनाजोल क्या है, तो भाई मिकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है, ये फंगल इन्फेक्शन में काम करती है, और जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना ये फंगी के कारण होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर जाते हैं एक वीक में, दो वीक में, लेकिन जो फंगल होता है ना ये काफ़ी लंबा चलता है, इसका अंडे होते हैं वो पेट में रह जाते हैं, जिसके बाद ये वापस भी आ जाता है। तो फंगी के निशान होता है दोस्तों लाल होना, इचिंग चलना, या राउंड पैच होना, सफ़ेद रंग के पैच या लाल रंग के पैच होना, ठीक है, दांत से बन जाना, तो चेहरे के ऊपर भी हो सकता है, आपके कहीं अदर पार्ट के आसपास कहीं पर भी ये हो सकता है। तो राउंड पेच के अंदर शक्ल है उस इन्फेक्शन की, वहाँ पर खुजली चल रही है, छोटे छोटे लाल लाल दाने से आ गए हैं, तो वो फंगी के कारण हो सकता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर जान लेते हैं देख के ही कि ये फंगी है या बैक्टीरिया है। तो मिकोनाजोल अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उन फंगस को मारकर काम करता है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो नेडिफ्लोक्सासिन वहाँ काम कर देगा। तीसरा और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी मोमेटासोन। तो भाई मोमेटासोन एक एस्ट्रॉइड होता है। अब कुछ लोग देखेंगे यार एस्ट्रॉइड नुकसान करेगा, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि सूजन और लालिमा इतनी ज़्यादा होती है, इतनी खतरनाक खुजली चलती है, इसका यूज करना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो चेहरे पे कई बार क्या है कि सूजन रहता है, लालिमा रहती है, या जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है ना उसके ऊपर सूजन रहता है, लालिमा रहती है, ज़्यादा ही खुजली चलती है, तो वहाँ पर उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण खुजली और ईचिंग चल रही है, रेडनेस या लालिमा बढ़ रही है। तो काफ़ी ज़रूरी होता है साथ में देना, इसलिए साथ में दिया गया है। तो कहने का मतलब है ये फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम करेगी, चेहरे के ऊपर भी काम करेगी और बॉडी में किसी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। टॉपिकली लगना है, खाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं भाई इसको कितनी बार लगाएं। तो आप दिन में 2 से 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं, करीब करीब एक वीक या 2 वीक तक ये चलती है, उसके बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो थोड़ा और भी ये लगाया जा सकता है, टेबलेट हो सकता है कुछ बंद हो जाए, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी चल सकती है। 10 ग्राम की आती है तो आपको बार बार में खरीदना पड़ेगा, लेकिन 130 रुपये की पड़ती है तो महंगी तो नहीं आती। तो डॉक्टर की सलाह से लेना है, आपको किस प्रॉब्लम में दिया है। ऐसे वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाता हूँ, इसमें सेल्फ यूज़ कभी भी नहीं करना है, कोई भी वीडियो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। साइड इफेक्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं करते, कई बार ये होता है कि इचिंग चलने लगे, जलन होने लगे, या जहाँ पर आपने लगाया वहाँ पर रेडनेस आ जाए, पेन होने लगे, ये कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, बहुत कम चांस में हो सकते हैं, लेकिन हो तो सकते हैं, अगर हो जाए आपकी सूट नहीं करिए डॉक्टर बताने। तो भैया संपूर्ण रिव्यू था नेडीबैक्ट प्लस क्रीम के बारे में, यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।